आज अपन को स्टार्ट करना है आईब्रोज, ठीक है? 10B पेंसिल से, तो आज 10B पेंसिल ले लो, ठीक है? हाथ के नीचे एक पेपर रखना पे। अब अपन को 10B पेंसिल से आईब्रोज करना है। तो जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर करी थी ना मैकेनिकल पेंसिल से, वैसे ही करना है। मेन मेन हिस्सा ये है, यहाँ नीचे नीचे मत लाना बहुत, ओके? इस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं आराम से, धीरे धीरे अपन एक आगे की तरफ जैसे घने नहीं रहेंगे, आगे आगे ऐसे नॉर्मली जाएंगे बाद अपने, ठीक है? जो डार्क जा रहे हैं पेंसिल शार्प रखना, बीच में दोबारा शार्प कर लेना, ओके? इस तरीके से बाल जाते रहने चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे करना, एक एक स्ट्रोक जो है रिफाइंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टे सीधे लगा रहे, एक एक स्ट्रोक ढंग से लगाओ। यहाँ पे आराम आराम से ले जाओ, डार्क रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लाइटली लगा रहे हो, पता चला दोबारा लगाने पड़ गए अपन को स्ट्रोक्स अपने, ठीक है? तो यहाँ पे जो नीचे नीचे आ रहे हैं उनको भी हल्के हल्के 10B से बना लो। एक आध दो जो आ रहे थे ना अपने, उन्हें हल्के से अपन ने 10B से बनाया, उन्हें डार्क नहीं किया अपन ने बहुत ज़्यादा, उन्हें नॉर्मली आने दिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, एक आध दो को कर लिया, ठीक है? इस तरीके से फिर अपन का काम क्या है, अपन को पीछे की तरफ ले जाने हैं स्ट्रोक्स, ठीक है? फिर एक आध स्ट्रोक पीछे की तरफ आएगा आराम आराम से, ओके? फिर अपन को पीछे से अपोजिट डायरेक्शन वाले स्ट्रोक्स चाहिए थे, तो अपन अपोजिट डायरेक्शन वाले स्ट्रोक्स लगाएंगे पहले। देखो सब अपने हिसाब से लगाओ, हो सकता है कर्व वाले पहले आगे के बेटर हों लगाना तुम लोग को, तो वो करो। इस तरीके से धीरे धीरे ये कर्व रखना है आगे की तरफ, मेन बात ये है, ऊपर ऊपर रखना है, कर्व रखना है, एक आते से बाहर की तरफ निकल गया। तो ये है पीछे वाले डायरेक्शन वाले बना लिए अपन ने, ओके? अब इन्हें यहाँ से ऐसे कर्व ले जाना है अपन को, तो यहाँ से कर्व ले जाना स्टार्ट करो। अपना लेफ्ट आईब्रो होता है। अब इसको ब्लेंड करने का तरीका देखो, इसके आसपास ज़्यादा ज़्यादा वाइट है ऊपर ऊपर, पहले अंदर अंदर ब्लेंड करो ज़रा अच्छे तरीके से, हल्का हल्का ऊपर ऊपर का एरिया भी इसे ब्लेंड करने की कोशिश करना है, इसमें जो ग्रेफाइट इकट्ठा हो रहा है इसकी इसके साथ। फिर हल्का हल्का आगे की तरफ किया, ये यहाँ किया, फिर थोड़ा थोड़ा इसको नीचे नीचे भी चलाया। ऐसे पूरा नहीं भर देंगे अपन, लेकिन हाँ सराउंडिंग के साथ एकदम ब्लेंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से कोई बहुत ज़्यादा या कम एरिया छोड़ा था अपन ने, तरीके से अपनी लेफ्ट आईब्रो हो जाती है। तो राइट साइड वाले पे आते हैं, राइट साइड वाले में भी इसी तरीके से आगे अपन छोटे छोटे एकदम पतले पतले डार्क से हेयर बनाए थोड़े रैंडम से, जैसे अपनी रेफरेंस में दिख रहे हैं ना, एकदम अपने मन से कोई उल्टे सीधे नहीं बना देना, जैसे रेफरेंस में दिख रहे हैं उसी डायरेक्शन में ले जाना। तरीके से अपनी राइट आईब्रो भी हो जाती है। इसको भी सेम भाई अपन को ब्लेंड करो आराम आराम से, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड मत कर देना, ठीक है? ऐसे सॉफ्टली ऐसे ब्लेंड करो बस। आगे के एरिया पे थोड़ा करा अपन ने, ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते थोड़ा नीचे और पीछे की तरफ आएगा, ठीक है? इस तरीके से अपनी आईब्रोज कंप्लीट हो जाती है। इतना करो, लेफ्ट आई स्टार्ट करनी है तो लेफ्ट आई अपन इतना करके 4B से अंदर शेड करते हैं, ठीक है? 4B से किस तरीके से शेड करना है, ऐसे नहीं करना कि अपन कुछ भी भरने लगे, इस तरीके से लाइंस में जो रहता है ना थोड़ी एक लाइंस बनाते हुए, इससे क्या होगा जो अपन को शेड है वो भी मिल जाएगा और जो शेप है वो भी आ जाएगा अपना। तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जो आ रहा है वो चलेगा, ठीक है? क्योंकि अपन को शेप चाहिए वैसा थोड़ा। उसके बाद क्या करना अपन को, इसे ब्रश की मदद से आराम से सर्कुलर चलाओ अंदर अंदर और ब्लेंड हो गई,
लेकिन अभी भी उतनी डार्क नहीं है जितनी डार्क अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन 8B पेंसिल लेंगे, ठीक है, हल्के से 8B पेंसिल भी इसी तरीके से चलाएंगे जैसे 4B पेंसिल चलाई। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो शेप है वो भी आ जाएगा और थोड़ा जो शेड है वो भी आ जाएगा। इस तरीके से अपनी हो गई आराम आराम से। अब अपन 10B पेंसिल लो, ठीक है। 10B पेंसिल में अभी देख सकते हैं बैक बॉर्डर जो है, तो 10B पेंसिल में से सर्कुलर करना चालू कर दो बॉर्डर, ऐसे एकदम भरना नहीं है बॉर्डर, कोई डार्क मत करने लगना ऐसे कि फिल करने लगे, ऐसे सर्कुलर चलाओ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे। फिर लेफ्ट साइड वाला जो कर्व है इस पर अपन ने करना चालू किया, ठीक है, बहुत मोटा मत कर देना। अब इस पे जो है ब्लेंडिंग स्टम्प लो पतला वाला, जैसे सर्कल्स उससे थोड़ा ज्यादा ही सर्कल चलाना ताकि वो बाहर की तरफ भी फैले अपना ये, ठीक है। ये जो है इसे ऐसे चलाओ, आराम आराम से, थोड़े बाहर की तरफ भी फैलना चाहिए, आई के अंदर, मतलब बाहर नहीं आई के अंदर अंदर थोड़ा और फैला लो, बॉर्डर आपने बहुत आराम आराम से करना है। अब मैकेनिकल पेंसिल लो, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल की मदद से अपन को क्या करना है, जो अपन ने सीखा है कि स्ट्रोक्स कैसे लगाते हैं ना आईज में, इस तरीके से देख सकते हो थोड़ा टेक्सचर है, तो उस तरीके से थोड़े हल्के हल्के टेक्सचर लगाओ, ठीक है, भर के नहीं लगाना है, इसे धीरे धीरे हल्के हल्के थोड़े से टेक्सचर लगाने अपन को, ओके, थोड़े आराम आराम से लगाना ऊपर से नीचे आते हुए कर्व, बहुत, और गैप देना बीच में, ऐसे भरना नहीं है अपन को। ये लगाए, इसके बाद अपन ने क्या किया, इसके बाद अपन ने ली 4B पेंसिल, 4B पेंसिल शार्प, इससे भी बीच बीच में बहुत, इसमें तो गैप होने चाहिए, इसमें अच्छे खासे गैप रख के ऐसे हल्के हल्के कर्व अंदर की तरफ आ जाए, ताकि आई का जो टेक्सचर है, अभी अपन को क्या इसमें हाईलाइट भी देना होगा, तो हाईलाइट तो बाद में देंगे, पहले इतना हो जाना चाहिए अपना, तो ये अपनी आयरिस इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना करो, एक काम और करो, अपनी नीडेड इरेजर ली, ऐसे चपटा करो, और बीच में अपन ने जहाँ स्ट्रोक लगाया उनके बीच बीच में थोड़ा हल्का हल्का ऐसे हटाना स्टार्ट कर दो, जैसे अपन बीच में स्ट्रोक्स लगाते ना, ये मोनो जीरो से मत करो, मोनो जीरो बहुत ज़्यादा इरेज कर देगी, हल्का हल्का अपन को बस थोड़ा सा हटाना है, एक जो हल्का सा शेड जो अपन को चाहिए ना यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो इतना करने के बाद अपन जो हल्के हल्के आईलैशेस दिख रहे हैं अपन को, पहले वो बना लो आईलैशेस। तो देखो इसमें क्या है, आगे हैं, वैसे नहीं कि सब पीछे की तरफ डाले डायरेक्शन के हैं, कुछ ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़े हैं, उनके बीच में एक आध छोटा, फिर एक बड़े, फिर एक आध छोटा, फिर थोड़े बड़े, इस तरीके से एकदम आगे तक नहीं आ रहे, बस यहाँ आके ऐसे ख़त्म हो जा रहे हैं यहाँ पे छोटे, फिर इस डायरेक्शन में आए, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसे एक, देखो आई लैशेस बनाने की प्रैक्टिस कर लेना ढंग से ज़रा, एकदम ऐसे नहीं, मुझे कांटे जैसे नहीं चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यहाँ पे, गलती यही होती है। और डायरेक्शन जो है ना उसे थोड़ा धीरे धीरे पीछे की तरफ लेते जाना है, एकदम ऊपर ऊपर मत रखना सारे, थोड़े पीछे की तरफ भी रखना, और एक पीछे जाते जाते याद रखना बड़े होते जाएंगे ये देख सकते हो ये पीछे जा रहे हैं जो, ये बड़े होते जा रहे हैं ऐसे आराम आराम से, ओके। तो ये हल्के हल्के बने हैं अभी, ये सेम चीज़ अपन नीचे भी करेंगे, नीचे इस तरीके से आते हैं, दो क्रॉस करते हैं उनके बीच में से एक हाथ निकलता है, ठीक है, फिर एक हाथ रैंडम भगता है, फिर दो क्रॉस करते हैं उनके बीच से एक निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ गिरते हुए आने चाहिए, बात ध्यान रखना, आराम आराम से बाहर की तरफ। देखो अभी बहुत ज़्यादा डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बनेंगे अपन से, ठीक है। अभी अपन को बस एक आइडिया लग जाना चाहिए कि करना क्या है, इस तरीके से ये अपन ने आईलैशेस बना लिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन धीरे धीरे एकदम फाइनल चीज़ पे आते जाएंगे। तो पहले तो ये आगे की जो टिप है, ठीक है, जो नीचे का कर्व है, इसको अपन 10B से दोबारा शेड करेंगे, ठीक है, आउटलाइन नहीं करेंगे, शेड कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। ये वाला भी जो एरिया है ये भी मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये ऊपर का जो एरिया है ये भी मैं शेड कर रहा हूँ, ये कर्व आ रहा है धीरे धीरे, ओके, ये हुआ। इसके बाद आगे आगे हल्का हल्का टिप थोड़ी सी शेड करी 10B से अपन ने,
ओके, उसके बाद अपन ने वहाँ 4B पे स्विच करा, 4B पेंसिल पे स्विच करा और हल्का हल्का यहाँ पे शेड करना चालू किया, ठीक है, बहुत हल्का हल्का तरीके से थोड़ा यहाँ शेड करा पीछे पीछे और आगे लाइट करते हुए आ गए, ठीक है, ये थोड़ा डार्क रहेगा लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट आते आते लाइट हो जाएगा। ये जो है पीछे वाला एरिया है, इसे आराम आराम से ब्रश की मदद से ब्लेंड किया। ये थोड़ा टिप वाला जो एरिया है, इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड किया अपन ने। जैसे पूरा भर मत देना, ये थोड़ा अपन को ये जो वाइट दिख रहा है ना, थोड़ा ये छूटना चाहिए, ठीक है, थोड़ा छूटना चाहिए। तो अब आते अपन ये वाले एरिया पे, देखो पहले अपन ये बनाएंगे, ये जो ऊपर का एरिया नीचे का शेड है, उसके बाद आई लैशेज आएंगे। तो वो बनाने के लिए अपन को चाहिए अपनी पहले 4B पेंसिल, नहीं 4B की तो लेयर हो चुकी है अपन को, अपन को चाहिए 6B और 8B पेंसिल, ठीक है। तो 6B और 8B पेंसिल अपन लेयर बाय लेयर चढ़ाएंगे। तो आराम से देखो यहाँ से ऐसे स्ट्रोक्स से लगाओ, थोड़ा रफ दिख रहा है ना अपन को ये रेफरेंस में, तो इस तरीके से स्ट्रोक्स से लगाओ ताकि ये जो लाइंस दिख रही ना बीच में वो अपन को इसमें भी दिखे थोड़ी थोड़ी, इस तरीके से। फिर नीचे आगे की तरफ नीचे आते हुए कुछ लाइंस आएंगी, ठीक है। फिर हल्का सा यही सेम चीज़ नीचे की तरफ करो, नीचे की तरफ भी ऐसे कर्व करना चालू कर दो, ओके, बहुत ज़्यादा नीचे मत ले जाना, हल्के हल्के ही नीचे ले जाना। ठीक है, आराम आराम से ये अपन ने किया। अभी इसे बहुत ज़्यादा एकदम घिसने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉटन लो, आराम से कॉटन की टिप्स ही बनाओ और ये हिस्सा जो है आराम आराम से इसे ब्लेंड कर लो। बहुत आगे तक मत भर देना, ये जो अपन ने छोड़ा है ना हाईलाइट, इसे मत भर देना, इसे छूटे रहने दो। देख सकते हो अपन को जो थोड़ा एक टेक्सचर टाइप भी चाहिए था वो भी आ गया और अपना ये शेड भी हो गया। नीचे वाला हिस्सा किया अपन ने, इसके बाद अपन अब 8B पेंसिल यूज़ करेंगे। ओके, 8B पेंसिल को अब अपन को थोड़ा डार्क यूज़ करना होगा क्योंकि इसके बाद अपन 10B यूज़ नहीं करेंगे शेड करने, 8B ही अपनी लास्ट है। तो ये जो पीछे पीछे का एरिया है मेनली, ये डार्क रहेगा, तो इस पे अपन नॉर्मल जो अपन ने 8B से स्ट्रोक्स लगाने वो लगाए। फिर आगे की तरफ हल्के हल्के आएंगे थोड़े, यहाँ पे हल्के हल्के आएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे सेम पीछे की तरफ ऐसे डार्क डार्क कर्व्स आएंगे, यहाँ आगे हल्के हल्के बहुत लाइटली लाइटली, ठीक है, इस तरीके से। अब अपन को ये कॉटन से ये पीछे का हिस्सा ब्लेंड किया, आगे का हिस्से पे आए, पीछे का हिस्सा ब्लेंड किया, नीचे के हिस्से पे आए, ओके। तो इस तरीके से देख सकते हो आँखों के आसपास का एरिया अपन ने ब्लेंड कर लिया। ये जो ऊपर की लाइन थी ना अपनी, है ये 10B से बना रहा हूँ मैं, पेंसिल्स ध्यान रखना किससे क्या बना रहा हूँ, ये 10B से बना रहा हूँ। इसके नीचे एक और कर्व था वो भी 10B से बनाया, ठीक है। तो इतना कर लो, इसके बाद अपन को टेक्सचर देखना है मैकेनिकल पेंसिल और अपन उससे क्या कहते हैं मोनो जीरो एरेजर से टेक्सचर कैसे दें, ठीक है, इतना करो। 6B पेंसिल लो, 6B पेंसिल से ये अपन ने बनाया था, इससे हल्का हल्का ऊपर ले जाओ ऐसे डार्क टू लाइट करते हुए, ठीक है, ये डार्क है, डार्क से लाइट करते हुए आगे की तरफ, ये डार्क से लाइट करते हुए यहाँ की तरफ। तो अपन जो लाए थे ये तो पूरा फिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही डार्क रहेगा, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ना ये डार्क रहेगा, ये थोड़ा बॉर्डर पे डार्क रहेगा और अंदर की तरफ डार्क टू लाइट वापस आएगा, ये थोड़ा गालों पे भी डार्क टू लाइट वापस नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ मतलब ऐसे चिन वाले पोर्शन पे रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे डार्क टू लाइट आएगा ऐसे। 6B पेंसिल कर रहा हूँ मैं, डार्क टू लाइट आ जाना चाहिए ये, ओके। इसके बाद इसे थोड़ा और नीचे किया मैंने, तो रेफरेंस में अपन देख सकते हैं यहाँ वाले पोर्शन पे भी है, तो यहाँ वाले पोर्शन पे भी अपन ने 6B से, ठीक है, बहुत आराम आराम तरीके से ये डार्क टू लाइट ऊपर की तरफ लाए। इसको कॉटन लिया अपन ने, कॉटन से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, कॉटन को ऐसे थोड़ा सर्कुलर चलाना, ओके, ये वाला एरिया है इस पे से सर्कुलर चलाओ, ठीक है, इस पे से कर्व में चलाओ नीचे से ऊपर ले जाते हुए ताकि एकदम से क्या कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा पूरा ना भर जाए जो अपन ने हाईलाइट छोड़ा,
ये वाला हिस्सा जो है इन्हें सर्कुलर चलाते जाओ, ओके, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं रेफरेंस में जितना डार्क है ये उतना डार्क आ गया है, ओके। इसके बाद अपन को एक चीज करनी है, अब रेफरेंस में देख सकते हो यहाँ हल्का सा टेक्सचर है, वो टेक्सचर कैसे आता है, मोनो जीरो इरेजर ली, ऐसे हल्का हल्का चलाने लगो थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है। चार पांच लाइंस यहाँ इरेज हो गई, चार पांच लाइंस यहाँ इरेज हो गई आगे की तरफ। ये जो अपन का कर्व है इसके बीच में ये थोड़ा इरेज करेंगे अपन, ओके। अब ये जो इरेज करी, अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो, ऐसे थोड़े इनसे कर्व लगा दो, ऐसे थोड़ा जो टेक्सचर सा आ रहा है ना अपन को वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना, अब बस आईलैशेस बचती हैं, तो अपन 10B पेंसिल से अब आईलैशेस बनाएंगे। ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान से, हल्का सा नीचे हुए आ रही हैं ये, अपन रेफरेंस में देख सकते हैं थोड़े नीचे भी आ रही हैं, तो अपन ने जो बनाई थी वो तो फेड हो गई हैं अब, लेकिन ध्यान रखना वो थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, तो उस हिसाब से वापस बनाना है अपन को। ये बीच में डायरेक्शन चेंज करते हुए राइट साइड जाएंगी तो छोटी होती जाएंगी, ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट साइड जाएंगी तो ये बड़ी होती जाएंगी। ये हल्का सा नीचे की तरफ कर्व होते हुए आ रही, देख सकते हो, ये हल्का सा नीचे की तरफ कर्व होते हुए आ रहे, बीच में एक आते का सिंगल, फिर एंड में आते आते एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये ख़त्म, फिर इधर ले जाएंगे, इधर थोड़ी घनी होती, एंड में घनी होंगी, यहाँ यहाँ नहीं, पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से कर्व आएगा ये आराम आराम से, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा बना देना एंड में बस, ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ आएगा ये, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से, कर्व होते हुए आने चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे होगी नीचे वाले कर्व्स के लिए, इन्हें शार्प रखना, ये ऐसे नहीं कि ब्लंट पेंसिल से बना रहे हो, इन्हें थोड़ा शार्प रखना, ओके, आराम आराम से। ठीक है, पीछे की तरफ घने होने चाहिए थोड़े, पीछे की तरफ घने होने चाहिए, यहाँ पे आराम आराम से बनाओ। ये आगे की तरफ देखो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे का हिस्सा जो है ये से थोड़ा ऐसे 10B से शेड कर लेना आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, और इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड करो। ये जो पीछे का एरिया है ना, इसे भी ब्रश की मदद से ब्लेंड करो, हल्का हल्का आईलैशेस यहाँ पे पीछे की तरफ ब्लेंड हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बस अपनी कुछ चीज़ें बचती हैं, जैसे कि अपन हाईलाइट देना, तो वो हाईलाइट अपन वाइट जेल पेन से देंगे। तो इसमें रेफरेंस में देख सकते हो हाईलाइट ऐसे कोई ट्रेडिशनल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं है, थोड़े से लंबे में है, रेंडम से शेप है, तो अपन उतनी कॉपी करने की कोशिश करो कि इस तरीके से धीरे धीरे आ रहा है, तो पहले वो आउटलाइन बना लो उस शेप की, एक रफ आउटलाइन सी बना लो, ओके। एक बार में नहीं चल रहा ये, इस तरीके से थोड़ा यहाँ यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे लंबी लंबी लाइंस जा रही हैं ये, ये थोड़ा एक नीचे बेस पे भी आ रहा है, ओके। फिर इधर पे आए तो इधर पे देख सकते हो ऐसे लाइंस ये टिप पे है थोड़ी, तो अपनी जो हाइलाइट्स देने थे ये इस तरीके से आते हैं। अब हल्का हल्का 10B ऊपर की तरफ, अपनी आयरिस के ऊपर की तरफ हल्का हल्का 10B से शेड कराई अपन ने, और फिर बाद में इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते इसे भी ब्लेंड कर लो, ओके। इस तरीके से अपना आई, लेफ्ट आई कंप्लीट हो जाती है। तो आज अपन अब राइट आई भी करते हैं, तो राइट आई स्टार्ट करेंगे अपन आयरिस से। तो आयरिस अपन ने शेड कर रखी थी, ठीक है, इसे थोड़ा और डार्क करेंगे अंदर अंदर शेड कर करके, और सेम प्रोसेस है लेफ्ट आई वाली। फिर ये बाहर कैसा अपन ने शेड किया 4B से, ठीक है, 4B से बहुत ज्यादा से भरना नहीं है,
आराम से इतना करके छोड़ दो। तो इसको क्या करना, इसको अपन को ब्रश की मदद से आराम आराम से ब्लेंड करना। अब अपन को लेयर बाय लेयर, अपन कैसे लाए थे लेयर बाय लेयर, अपन 4B लाए, ठीक है, ऊपर से शेड करना चालू किया, ऊपर से डार्क लाए, यहाँ पे आते आते थोड़ी लाइट हो गई, बस इस तरीके से, क्योंकि अपन को बॉर्डर भी देनी होगी अभी इसमें। तो आराम आराम से शेड किया और फिर ये ब्लेंड करेंगे। 4B के बाद अपन ने क्या किया था, अपन ने ली 6B पेंसिल, 6B पेंसिल और ऊपर वाले हिस्से में डार्क रहेगी और नीचे आते आते लाइट हो जाएगी, ठीक है। इसे ब्लेंडिंग स्टम्प की वजह से ब्लेंड करो, क्योंकि अभी डार्क पार्ट आता जा रहा है। ओके, तो ये अपनी 2 लेयर्स हो जाती हैं। इसके बाद अपन को जो लेयर करनी थी वो थी 8B की। 8B की लेयर कैसे आ रही, बाउंड्री के आसपास आ रही है, देखोगे अगर तो, सर्कुलर शेडिंग से ऐसे धीरे धीरे बाउंड्री के पास, बहुत पतले पतले ऐसे सर्कल्स नहीं बनाना कि एक लाइन सी बना दी, जैसे लेफ्ट में बनाया ना अपन ने जितने, ये हाँ इतने अपन को यहाँ लगे, और ऊपर वाला हिस्सा अपन को फिल करनी है वैसे भी 8B से, तो ये अपन ने 8B से कर दिया। अभी एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि लेफ्ट साइड की 8B और राइट साइड की 8B में डिफरेंस आ रहा हो, दोनों में सेम होना चाहिए। और ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से अपन इसे ब्लेंड करने लगे। ये जो साइड साइड यहाँ यहाँ के पार्ट में जो ग्रेफाइट आ चुका है, इसे नीडेड इरेजर की मदद से इरेज कर लो, अपन इसे बाद में शेड करेंगे। ओके, ये करने के बाद इसकी हल्की सी आउटलाइन दो 8B से, और फिर अपनी नॉर्मल HB पेंसिल से इसमें जो बीच में स्ट्रोक्स लगाए थे अपन ने, याद करो, हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाए थे, तो वो स्ट्रोक्स दिखने चाहिए थोड़े से, क्योंकि अभी हाईलाइट से कवर तो हो ही जाएगी ये, लेकिन अपन को स्ट्रोक्स दिखने चाहिए इसमें, कि कोई अगर पास से देखे तो उसे इतनी डिटेल्स दिखें स्ट्रोक्स की भी। इतना करने के बाद पहले अपन आईलैशेस बनानी है, तो आईलैशेस पहले मैकेनिकल पेंसिल से बनाओ, तो जैसी लेफ्ट साइड बनी है ना थोड़े यहाँ पे ये बीच में, फिर आगे जाते जाते इस साइड के कर्व में छोटी होती गई, सेम उसी तरीके से अपन को तो यहाँ पे बनानी है, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ देखो, पीछे ले जाते जाते बड़ा होगा, आप यहाँ रेफरेंस में देख सकते हो पीछे का हिस्सा पूरा ऐसे डार्क सा जा रहा है, तो वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। आईलैशेस प्योरली अच्छे तरीके से जाने चाहिए, और आईलैशेस पूरे ऊपर की तरफ पॉइंट नहीं करने चाहिए, पीछे आते आते बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे कर्व होके जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है, पीछे आते आते बड़े होते जाएंगे, पीछे आते आते इस साइड डायरेक्शन होगी, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है, इन्हें कर्व रखना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले बने, एक बेस साइड बनाना है अपन को, बहुत डार्क नहीं करना। फिर नीचे वाले आते हैं, तो नीचे वाले अपन ने देखे, तो ये बेस देने के बाद अब अपन को क्या करना, अपन को जो ऊपर के शेड है, नीचे का शेड है, उसे करना है। तो अपन ने लेफ्ट साइड, याद करो कौन सी पेंसिल से किया था, अपन ने 6B पेंसिल से किया था। ये हिस्सा जो आगे का है इसमें शाइन है, तो ये नहीं करना अपन को, और ये नोज़ वाले पार्ट में आ जाता है, तो अपन को अभी मेनली करना है यहाँ यहाँ का। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे शेड करते हुए गए, याद रखना इसमें बहुत रफ़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हल्का हल्का नॉर्मली नीचे की तरफ आना चाहिए। फिर यहाँ शेड करते करते ऊपर गए, ये पीछे का हिस्सा जो जा रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा ऐसे शेड होगा और ये यहाँ आके मिलेगा, ठीक है। 6B अब यहीं नहीं रुक रहा, 6B ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते लाइट हो रहा है, जैसे यहाँ गया, यहाँ जाते जाते ये लाइट हुआ, 6B ऊपर गया, ऊपर जाते जाते लाइट हुआ, यहाँ गया, यहाँ ऊपर जाते जाते ये लाइट हुआ। ओके, सेम चीज़ नीचे होगी, नीचे भी इस तरीके से अपन ने किया, शेड है, देख सकते हो रेफरेंस में, पीछे का ये वाला साइड जो यहाँ आ रहा है ये बहुत डार्क है, क्योंकि यहाँ हेयर्स हैं, तो ये इस तरीके से जाएगा 6B, और यहाँ यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा। ओके, ये जो है ये नहीं करना, ये नोज़ वाले पार्ट में पहले आइज़ कर लें, फिर अपन नोज़ पे आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आओ, 6B कर ही रहे हैं तो पूरे में करते जाओ,
यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे आएंगे और सिक्स भी लाइटली लाइटली करते हुए आएंगे, ठीक है? सिक्स भी था, ये बाहर की तरफ आया डार्क होते, डार्क से लाइट होते हुए, आराम आराम से ये डार्क से लाइट होते हुए आया, ठीक है? नीचे नीचे चिन वाले पार्ट से जॉ लाइन वाले पार्ट में भी डार्क से लाइट होते हुए आया, आराम आराम से नीचे वाला पार्ट, आराम आराम से, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लाना अपन को, सिक्स भी इतना ही लाना कि अपन ब्लेंड कर सके, पता चला पूरा आगे तक भर दिया फायदा ही नहीं है उसका, ठीक है? इतना ही लाना, बाकी अपन बाद में चेहरे वाले पोर्शन में भी अपन को करना है। तो अभी अपना मेन है आई, तो आई के साथ हो रहा था ये, इसलिए कर लिया। ओके, अब इस पर कॉटन लो अपनी, कॉटन से आराम आराम से ब्लेंड करेंगे, धीरे धीरे करना। ओके, ऐसे सर्कुलर करो, नीचे वाले पोर्शन में हल्का सा नीचे आना, बहुत ज़्यादा नीचे मत आ जाना, ठीक है? ये वाले पोर्शन में तो पता ही है अंदर से बाहर की तरफ आना, मतलब जो डार्क टू लाइट वाला पोर्शन है। अब अपनी देखो, अपन को थोड़ा इधर पे टेक्सचर चाहिए, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन अपनी मोनोजी इरेजर लेंगे और टिप पे देख सकते हैं ऐसे थोड़े से दो चार लाइन यहाँ इरेज कर दी, ऐसे ये कर्व करते करते दो चार कर्व यहाँ पे आ गए, ठीक है? इस तरीके से बस, और क्या किया फिर मैकेनिकल पेंसिल से, इस तरीके से ये कर्व हैं, फिर यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से ये कर्व हैं, फिर यहाँ देख सकते हो आगे की तरफ भी ऐसे थोड़े नीचे की तरफ कर्व आ रहे हैं, ठीक है? ये पीछे की तरफ कर्व गया, ये हल्का सा मैकेनिकल पेंसिल से बनाओगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट साइड भी बना सकते हो, लेफ्ट साइड भी हल्के हल्के पीछे की तरफ दो चार जा रहे, और फिर उन्हें हल्के हल्के से ब्लेंड कर दो, ठीक है? ये ऊपर ऊपर की तरफ भी देख सकते हो ये कर्व जा रहे हैं, इन पर भी इरेज, इन्हें भी पहले इरेज करो, ठीक है? यहाँ पर हल्का हल्का इरेज करा, यहाँ पर हल्का हल्का इरेज करा, ये किया, और फिर इस तरीके से, तो यहाँ टेक्सचर बन जाता है अपना, ठीक है? तो इस तरीके से अपन ने टेक्सचर बना लिया अपना, आई हो गई, सब हो गया। अब आता है टिप का काम करना, ठीक है? तो टिप का काम भाई 8B से करेंगे, तो 8B से आराम आराम से यहाँ शेड करो, ठीक है? हल्का सा यहाँ छोड़ना,
ठीक है, हल्का सा यहाँ छोड़ा, फिर एच बी पेंसिल लो। एच बी पेंसिल से अपन को ये पीछे से आगे की तरफ शेड करना है। ये पीछे से आगे की तरफ शेड किया और इतने में छोड़ दिया, तो जो आगे का पार्ट है टिप का, वो तो अपन ने ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड करा। ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे ब्लेंडिंग स्टंप सर्कुलर चलाते चलाते राइट टू लेफ्ट लाओ और यहाँ आइस से पहले छोड़ दो। ओके, क्योंकि अपन को थोड़ा हल्का हाईलाइट वाला पार्ट चाहिए। रेफरेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे डार्क है और आगे की तरफ हाईलाइट वाला पार्ट है। ठीक है, अब आता है अपना आयरिस बनाने का काम। आयरिस कह रहा है, आईलैशेस बनाने का काम आता है। ओके, तो आईलैशेस अपन 10B पेंसिल से बनाएंगे आराम से। तो अपना है आईलैशेस बनानी, तो आईलैशेस अपन को 10B पेंसिल से बनानी होती है। तो अभी अपन ने जो बनाई थी, पहले इतना एरिया जो है ऐसे हल्का हल्का थोड़ा मोटा शेड कर लो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे शेड कर लो इसे। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में भी हल्का हल्का इसी तरीके से करो और पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, शेड करने के बाद इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से आराम आराम से ब्लेंड कर लो। अब अपन को आईलैशेस बना दो। आईलैशेस एकदम स्ट्रोक्स शार्प होने चाहिए, पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम, और आईलैशेस गंदे नहीं बनने चाहिए। ये नहीं कि उल्टे सीधे कुछ भी जा रहे हैं, एक डायरेक्शन पकड़ो, उस डायरेक्शन में आराम आराम से बनाओ। देखो कर्व होके आने चाहिए, अच्छे तरीके से बनने चाहिए, आगे जाके छोटे हो गए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने आईलैशेस अच्छे वाले बनने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया आईलैशेस के नाम पे, और पीछे जाते जाते मैंने क्या बोला, और ज़्यादा कर्व होने चाहिए और पीछे की तरफ निकलने चाहिए। ठीक है, तभी तो वहाँ पे और घने होने चाहिए, नीचे वाले भी मिलने चाहिए और ऊपर जो जा रहे हैं वो भी। इस तरीके से थोड़े नीचे आते हुए ठीक है ये हुआ, फिर नीचे वाले आएंगे। ठीक है, ये किया। इसके बाद अपन को एक चीज करना जरूरी है जो दोनों आई में होना चाहिए, एक साथ बताऊंगा मैं, तो ध्यान दो। यहाँ देख सकते हो नीचे टिप के पास थोड़ा सा हाईलाइट है, तो ऐसे मोनो जीरो इरेजर से हल्के से ये हाईलाइट लो और ऐसे आईलैशेस और आई के बीच में एक पतली सी लाइन जा रही होगी उस पर ले जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी हल्का सा होगा वो। ठीक है, ये हल्का तो कहलाएगा नहीं, तो इस पर अपन क्या करेंगे, हल्का हल्का ब्रश चला लेंगे ताकि वो लगे कि वहाँ पे कुछ था हाईलाइट। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं उसके लिए क्या करो, इस तरीके से अपने मोनो जीरो इरेजर लो, मोनो जीरो इरेजर से यहाँ थोड़ी डॉट डॉट्स लगाने से चालू करो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो रेफरेंस में, यहाँ यहाँ टेक्सचर है अपना। ठीक है, ये जो हिस्सा जितना मैंने छुड़वाया था, ये यहाँ पे देखो इस तरीके से है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ थोड़े अच्छे खासे प्रेशर के साथ लगाओ। ऐसे डॉट लगा रहे हो तो थोड़े प्रेशर के साथ पेंसिल को अपनी मोनो जीरो इरेजर लगाना उस पर, और यहाँ आते आते धीरे धीरे फेड हो गई, एकदम से मत छोड़ देना। ऐसे धीरे धीरे आगे आते हुए प्रेशर कम करना और ये अपनी मोनो जीरो इरेजर से हो गया। इसके बाद हल्का सा इस पर ब्रश चलाओ, हल्का सा यहाँ ब्रश चलाओ, तो अपने आँखों में जो हाईलाइट्स थे ना आगे की टिप पे वो हो जाते हैं। अब बसता है एक चीज़, अपनी जो आयरिस है उसके अंदर जो हाइलाइट्स हैं वाइट जेल पेन की मदद से अपन को, तो एक रैंडम सा शेप जो अपन को दिख रहा है अपन वही बनाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा लेफ्ट साइड ये कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा खाली छूट गया अंदर से, ये ऊपर जाता हुआ। इस तरीके से इसे ज़रा सूख जाने दो, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाना है फिर। ठीक है, तो इतने में अपनी दोनों आईज कंप्लीट हो जाती है और अपना स्केच बहुत अच्छा लगने लगा है धीरे धीरे। इसके बाद अपन नोज़ करते हैं, तो अब नोज़ करना है, तो नोज़ के लिए एक काम करो, 6B पेंसिल लो। ठीक है, और मुझे फॉलो करो, मैं जहाँ जहाँ शेड कर रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है बहुत लाइटली, यहाँ पे जो 6B आएगी ये बहुत लाइटली करेंगे अपन 6B, क्योंकि अपन को ये ऊपर वाले हिस्से का मैच करना है 6B, तो अपन बहुत लाइटली बस यहाँ तक।
ठीक है, थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ फेंके हुई है। ये वाली सिक्स भी बहुत लाइटली होगी, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। सिक्स भी अपनी ये जो है ये लाइटली हो रही है, सिक्स भी हो गई लाइटली, ठीक है। अब ये तो हो गए, ये अपनी डेप्थ ठीक ठाक आ गई है। अब अपन को क्या करना, अपन को डेप्थ चाहिए थोड़ी अंदर की तरफ, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर एच बी पेंसिल से कर रहा हूँ ये मैं, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत लाइटली लाइटली मैं ये एरिया शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया बहुत स्मूथली एच बी पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, इतना हिस्सा। अब मैं 6B पेंसिल वापस ली, 6B पेंसिल, अब ध्यान देना मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, मैं इस एरिया में स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो ये जो बॉर्डर है इसके पास पास ये करते करते थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे आया, इसके थोड़े बाहर जाएगी। अब ऐसे कर्व करते करते 6B डार्क टू लाइट जो ले जाते ना अपन, इस तरीके से थोड़ी बाहर ले गए, थोड़ी नीचे आएगी, ओके। अब ये अंदर की तरफ आना चालू होगी, लेकिन एकदम से नहीं, ये पहले जो कर्व है इसे ऐसे आएगा और धीरे से यहाँ शेड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और डार्क टू लाइट हमेशा आएगा, ऊपर से नीचे ला रहे हो तो इसे थोड़ा डार्क टू लाइट लाना। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे थोड़े हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स क्या है, मोनोजीरो से ध्यान देना, ये कर्व है अपना तो इसकी आउटलाइन पे जो है ये है हाईलाइट, इसकी जो आउटलाइन पे है अभी, इसलिए अभी से इसलिए बना रहे क्योंकि ये उतना इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ये हल्का सा शेड होगा तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, फिर ये अंदर की तरफ थोड़ा लाइट होते हुए आएगा, अंदर की तरफ थोड़ा लाइट होते हुए आया, ये शेड करेंगे अपन सेम तरीके से, इसके थोड़े अंदर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ और ये थोड़ा ऊपर, क्योंकि इस पर भी अपन को स्पॉट्स लगाने हैं अभी, जो स्पॉट्स अपने रेफरेंस इमेज में दिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे अपन ने ये किया, ओके। तो ये अपना आता है, अब अपन इसे ब्रश से ब्लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है एक बार ध्यान रखना, ये नॉस्ट्रेल वाला है, 6B पेंसिल की मदद से इसमें सर्कुलर ऐसे शेड करो, बहुत ज़्यादा बड़े सर्कल नहीं, और नीचे आते आते थोड़ा फेड होता जाएगा, ये समझ रहे होगे क्यों। सेम चीज़ यहाँ होगी, यहाँ से शेड होना स्टार्ट हुआ और ये नीचे आते आते थोड़ा फेड हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा फेड हुआ। इसके सराउंडिंग में अपन ने शेड किया हल्का हल्का, जैसे लेफ्ट साइड किया था वैसे ही राइट साइड भी किया, और ऊपर ले जाते मिक्स हो गए। तो अभी अपन ने 6B से जितना किया है वो अपन ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सर्कल्स हैं नॉस्ट्रल वाले, इन्हें ब्लेंड करो, और इन्हें ब्लेंड करते करते थोड़ा नीचे लाओ ताकि फैल जाए नीचे की तरफ। सेम चीज़ लेफ्ट साइड करेंगे, ये जो मेन डार्क वाला पोर्शन है उसके बाद थोड़ा नीचे ले। अब कॉटन ली, कॉटन से अपन ने ये वाला पोर्शन जो है अपना ये किया, और इसे करते करते थोड़ा अंदर आए, कॉटन से ये वाला पोर्शन किया करते करते थोड़ा अंदर आए, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन ये जो था जो अपन ने शेड किया ये ब्रश से किया, एक बार ध्यान रखना मैं किस किस से कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉटन से नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉटन और फैला देगा इसे, इसे और ब्रश से स्मूथ किया। तो ब्रश का काम यहाँ हो गया, अभी अपन को क्या करना, ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से जो अपन ने किया है इधर पे, ब्लेंडिंग स्टम्प हल्के प्रेशर के साथ ऐसे सर्कुलर चलाओ, थोड़ा बॉर्डर पे चलाया है डार्क प्रेशर के साथ, ताकि बॉर्डर जो अपनी डार्क है ये देखे, वरना अंदर अंदर और ये थोड़ा जो बाहर बाहर जा रहा है यहाँ पे थोड़ा लाइटली चलाओ, भले ही 4-5 बार चलाओ ताकि वो ब्लेंड हो, स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए अपन को। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, आराम आराम से अपन ने ब्लेंड किया नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ यहाँ ब्लेंड किया बाहर बाहर, यहाँ नीचे वाला पोर्शन और ब्लेंड किया, ठीक है। और स्मूथ करने के लिए पूरे में ऐसे सर थोड़ा हल्का हल्का ब्रश चला दिया, तो उससे क्या होगा, ये हाइलाइट्स भी हो गए अपने, ओके। मैकेनिकल पेंसिल लो, बॉर्डर्स जो हैं इसकी ब्लेंड हो गई हैं, तो मैकेनिकल पेंसिल लो और बॉर्डर्स पे शेड करो, ठीक है। बॉर्डर्स को ड्रॉ नहीं करो, बॉर्डर्स पे जो कर्व है इसे मैंने शेड करा, ये जो बॉर्डर है इसका ये जो कर्व है इसे मैंने ये शेड करा, ठीक है।
ठीक है, ये अंदर वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो कर्व आता ना, ये ड्रॉ करना है। पूरा नहीं करना अपन को, पूरा अभी नहीं करो क्योंकि वो बाद में ब्लेंड हो जाएगा। अभी इसे इतना ड्रॉ किया लाइटली। अब अपन ले लो अपनी 10B पेंसिल, ठीक है। 10B को शेड करना है, ठीक है, ये भरना नहीं है। ऊपर से नीचे लाइट आता है, होते हुए आएगा, ये डार्क टू लाइट हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ये है, ये डार्क टू लाइट हुआ। और इसको अपन ब्लेंडिंग स्टेम की मदद से अच्छे तरीके से, बाहर नहीं फैलना चाहिए ये, इस तरीके से करते करते नीचे ले आए, इस तरीके से करते करते ये नीचे ले आए। ओके, तो ये अपनी नोज की जो इनिशियल शेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा ब्रश चला लो इस पर ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये थोड़ा बाहर बाहर ब्रश चला लो ताकि स्मूथ ब्लेंडिंग दिखे अपन को ये। ओके, पूरे में ब्रश चलाओ ढंग से और ये अपनी नोज हो जाती है। अब इस पर स्पॉट्स बनाने रह गए, तो इतना बनाओ। तो अब अपन स्पॉट्स बनाएंगे चेहरे पे जो दिख रहे हैं ना अपन को, तो अपन एक एक करके बनाते हैं और जितना हो सके उतना आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे अपन स्पॉट्स को, कि एकदम सही स्पेस पे हैं। तो आ जाओ यहाँ पे बगल में रखो, यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा ट्रायंगल टाइप कुछ दिख रहा है, तो ट्रायंगल है नहीं लेकिन अपन वैसा कुछ बनाए। तो इस मैकेनिकल पेंसिल से मैंने वो पार्ट शेड करा, फिर उसके नीचे कुछ एक डिफॉर्म्ड शेप सा लग रहा है ऐसे मुझे, ये किया। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हूँ, जहाँ जो दिख रहा है मुझे वो बना रहा हूँ। ओके, यहाँ थोड़ा सा आया ये, तो सेम तरीके से साथ साथ बनाते जाओ। और ऐसे उल्टे सीधे कुछ नहीं कि हर जगह स्क्वायर रेक्टेंगल सर्किल, ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ओके, आराम आराम से ये बनाते जाओ। शेड करना है अभी सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल की मदद से, ऐसे भरना नहीं है। जहाँ डार्क लग रहा है वहाँ थोड़ा डार्क करो, जहाँ लाइट लग रहा है वहाँ थोड़ा लाइट करो। ओके, ये 6B पे बहुत कम चलेगा तो कम चलाओ। अभी अपन को स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने किया इतना। अब ब्लेंडिंग स्टेम आराम आराम से इस पर चलाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अभी अपन इसके ऊपर कॉटन चलाएंगे, तो जो जो अपन ने किया उसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे ब्लेंडिंग स्टेम चला लो ताकि वो अपनी जगह पे थोड़े ब्लेंड हो जाएं। तो ऐसे भर के देखो, देख सकते हो मैंने चीक्स वाला पोर्शन जो करा था उस पर ऐसे भर के नहीं लगाए, ठीक है। अब क्या करो, कॉटन लिया, कॉटन से हल्का हल्का ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाते गए उसके ऊपर कॉटन। हाँ, ये हिस्सा फिल हो गया है, कोई परेशानी नहीं है उसमें अपन को, ठीक है। इतना ज़्यादा अपन को वैसे भी हाईलाइट नहीं छोड़ना था। और ये अपन का लेफ्ट साइड पे देख सकते हो जो स्पॉट्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लेफ्ट साइड वाले करें, इसी तरीके से राइट साइड वाले करेंगे। तो राइट साइड वाले भी सेम ही होंगे। इस मैकेनिकल पेंसिल से नहीं करना तो अपन नॉर्मल HB पेंसिल से कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। बस अपन को स्पॉट्स जो है ऑन द स्पॉट होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह और बिल्कुल सही शेप में।
तो इस तरीके से अपना जो स्पॉट्स थे वो बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा से भरने की ज़रूरत नहीं है, अपन को इतने काफ़ी हैं, ठीक है। थोड़े और चाहो तो यहाँ पे थोड़े और बहुत ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ यहाँ थोड़े ऐड कर दिए, थोड़े यहाँ कर दिए, हल्के हल्के थोड़े ऐड कर दिए, वरना बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है। इतने करने से अपना जो है पूरा नोज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।